मॉर्निंग चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी सब कुछ सब समझ कर मैं आज नया विषय लेकर आई हूँ। ऐसा शुरू करें, प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था? प्रीवियस क्लास में हुआ था क्या? परिवार के बारे में, हमारा परिवार क्या है, परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन सी परिवार है, परिवार परिवार किसके लिए उपयोग है, क्यों आवश्यक है, ये सब भी आपको याद है। ओके, आज क्या लेंगे? आज देखो, ये परिवार का ही एक हिस्सा है। परिवार में क्यों परिवार चाहते हैं? क्योंकि स्वादिष्ट भोजन मिलता है, यही पहला कारण है परिवार को लेने के लिए। ये स्वादिष्ट भोजन हर एक घर में हर एक टाइप के रहते हैं, है ना? आज मेरे घर में कुछ रोटी रहे तो, और एक घर में फिकर रह सकता, और एक घर में गेहूँ का रोटी, और एक घर में इडली डोसा वड़ा पूरी ऐसे रहते ना। ऐसे ही भारत बहुत राज्यों का स्टेट का देश है ना, हर एक स्टेट में अलग टाइप का पकवान रहता है ना। आज कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से कैसे कैसे फूड फेवरेट है, फेमस है, देखेंगे। चलो, आज का लेसन है स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन। स्वादिष्ट भारतीय भारतीय व्यंजन, व्यंजन मीन्स फूड, आहार, भारतीय स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन, व्यंजन टेस्टी इंडियन फूड्स। कौन कौन से राज्य में कौन सा इंपॉर्टेंट है, कुछ राज्यों का मैं बताना चाहती हूँ, सारे टेस्टेडों का आप जान लीजिए। चलो, आज राजस्थान करेंगे। राजस्थान में कौन से है? राजस्थान में कौन सा फूड फेमस है? राजस्थान में फेमस है दाल। कौन सी फेमस है? दाल बाटी, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी। ये दाल बाटी चूरमा क्या है? दाल बाटी चूरमा है बहुत सारे दालों को डाल के एक चाकने के बनाते हैं, और क्या गेहूं के आटा और सोजी डाल के घी डाल के पूर्ण रूप से मिक्स करके वो उबालते हैं। उबाल के क्या करते हैं, वो परोस कर और चाकने के साथ खाते हैं। ये राजस्थान का बहुत फेमस फूड है। ऐसे ही गुजरात में कौन सी है? गुजरात में है गुजरात में लजीज ढोकला, लजीज ढोकला ये है छेने के आटे और क्या सोची ये मिक्स कर शक्कर ये सर्दी उसे और जिंजर के पेस्ट और सभी मिलाकर ये उबाल कर या ना तो तवे में उबाल कर उसे भगा देते हैं। उसमें हरी मिर्चा, कोतमीरी और साए सभी मिलकर वो पीस कर वो टेस्टी होता है। ये
शने के आटे में बनाते हैं। ये गुजरात में बहुत टेस्टी फूड है, ऐसे ही हरियाणा। उसका आटा का रोटी वो बहुत टेस्ट करता है।
मिस्टर उत्तर भारत ने मिक्स करते हैं, आटा गोल करके ये बेल कर ये तेल में फ्राई करते हैं। इसके साथ आलू का बटर का सांभर बनाते हैं, बनाकर चटनी और दाल का चटनी बनाकर ये खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। ऐसा ही पश्चिम पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल रसगुल्ला पश्चिम बंगाल के रसगुल्ला के फूटा हुआ दूध ना तो ये आल के एक नींबू के चार बूंदे डालकर ये फूटा हुआ दूध से शक्कर में मिक्स करके ये रसगुल्ला बनाते हैं। ये खाने के लिए बहुत टेस्टी है। चलो चलो साथ आपको कौन-कौन सी राज्य में कौन-कौन से स्वादिष्ट भोजन फेमस है आपको ये पता लग गया। देखो राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, गुजरात में लजीज ढोकल ढोकला, हरियाणा में बुरा घी रोटी के साथ, महाराष्ट्र में वड़ा पाव, दिल्ली में छोली भटूरे, दक्षिण भारत में डोसा इडली सांभर के साथ, हाँ बिहार में लिट्टी चोखा, पंजाब में सरसों का साग मक्की की रोटी और उत्तर भारत में आलू पूरी, पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला। आपको कौन सी एक पसंद आया, कौन सी टेस्ट आया मम्मी को पकवान करने के लिए आपको कहते हैं, देखिए आपको कौन सी टेस्ट अच्छा लगा। देखिए चिल्ड्रन ये सभी हर एक राज्य का हर एक फेमस फूड है। उन्होंने अपने कर्नाटक तो बाहर का अनेक राज्य पूरी प्रतियोगी राज्यदूंद आहार ना तुम फेमस आगे बड़स्ते। अदे रीति राजस्थान दल दाल बाटी चूरमा इतने, गुजरात लजीज ढोकला आते, हरियाणा में बुरा घी रोटी के साथ आते, बुरा घी मतलब रोटी के जते आते, बुरा घी में बढ़िया रोटी में रोटी जते तीन बोलते हैं। वहाँ महाराष्ट्र में वड़ा पाव आते, वड़ा पाव तो लेने के ब्रेड मध्य बोलना ही रहते हैं, आनंद सिंह का दिल्ली में चोरी बोटा रहते हैं, इधर पूरी मतलब सारो रहते पूरी तरह रहते, दक्षिण भारत में हमारे दोस्त बनते हैं और सांभर होते हैं, बिहार में लिट्टी चूरमा लिट्टी चोखा में लिट्टी चोखा अंदर में जो मैदा की कटी गोधी इतनी मानते हैं गोधी इतना कलसी मान लेते हो, अरे ते पंजाब की सासे सागु सागु तो मतलब सासे सागु आज जो ते जोड़ रोटी रहते हैं, उत्तर भारत में आलू पूरी आलू पूरी का हाँ ಆಲೂ ಕೆಂಡೆನ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ದು ಅದು ಪಾಠ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ರಸಗುಲ್ಲ ಇದು ಒಡೆದ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಆಗೋ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಮಾಪ್ತ ಕರ್ತೀನೋ.